नवी मुंबई नेटवर्क। एक हाथ मददी सा, इस भावना का जतन करते हुए कोरोना संक्रमण के कठिन दौर में नवी मुंबई के कुटुंब प्रमुख होने के नाते ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे नागरिकों को बहुत बड़ा दिलासा देने का काम किया है। गणेश नाइक चैरिटेबल ट्रस्ट और भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई द्वारा संयुक्त रूप से चौथे टप्पे के तहत ऐरोली प्रभाग क्रमांक 15 के पूर्व नगर सेवक अशोक पाटिल के माध्यम से अनाज वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के नेतृत्व और ऐरोली के पूर्व विधायक संदीप नाइक के मार्गदर्शन में अशोक पाटिल ने अपने जनसंपर्क कार्यालय में प्रभाग की जरूरतमंद और कष्टकारी जनता में अनाज का वितरण किया। बता दें कि लॉकडाउन में कईयों का रोजगार छिन चुका है, उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है और ऐसी कठिन और विकट स्थिति में प्रभाग का कोई भी परिवार अनाज की कमी से वंचित ना रहे, इसीलिए अशोक पाटिल ने तत्परता के साथ अपने समाज सेवा की धुरा को हाथों में लेकर अपने कर्तव्य पथ पर चलते आ रहे हैं। इस दौरान अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए अशोक पाटिल ने इस कठिन दौर में प्रभाग की जरूरतमंद जनता को आधार देने के लिए गणेश नाइक का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई गणेश नाइक साहब चैरिटेबल ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने आदरणीय गणेश जी नाइक साहब त्याचबरोबर आदरणीय या ऐरोली विधानसभा मतदारसंघाचे प्रथम आमदार संदीप जी नाइक साहब यांच्या माध्यमातून आज प्रभाग क्रमांक 15 अन्नधान्याचा हा चौथा टप्पा या ठिकाणी लोकांना आपण त्यांना मदतीचा हात म्हणून आपण त्यांच्या माध्यमातून आपण करत आहोत। आदरणीय गणेशजी नाईक साहेब हे गेल्या कोरोनाच्या काळामध्ये गेले 1.5 वर्ष या ठिकाणी सातत्याने महानगरपालिकेच्या माध्यमातून असो विधानसभेच्या माध्यमातून असो या ठिकाणी गरजू आणि गरीब लोकांना पूर्ण नवी मुंबईमध्ये मग ते वॅक्सिनच्या संदर्भात असो या ठिकाणी अन्नधान्याचा संदर्भात असो त्यांना प्रत्येक म्हणजे मेडिसिनच्या संदर्भात असो अनेक ज्या ज्या आवश्यक असणाऱ्या सर्व ज्या गोष्टी ज्या बाबी आहेत त्या पुरवण्याचं काम आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांच्या माध्यमातून या ठिकाणी होत आहे। उन्होंने कहा की नवी मुंबई करो के सुख दुख में खड़ा केवल एक ही नेता है और वो है गणेश नाईक। नवी मुंबईतला कुटुंब प्रमुख म्हणून नाईक साहेबांनी सातत्याने प्रत्येक जाती धर्मातल्या लोकांना या ठिकाणी एकत्र घेऊन काम करत आलेले आहेत आणि अनेक वर्षापासून गेली या ठिकाणी नवी मुंबई महानगरपालिका स्थापन झाल्यापासून सातत्याने नाईक साहेबांच्या विचाराची या ठिकाणी महापालिका लोकांनी त्यांच्या हातामध्ये दिलेली आहे आणि त्यांच्याच विचारानं लोक यापुढेही राहतील अशी मला या ठिकाणी खात्री आहे। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।